मुझसे तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। मौजी सामी, जितने भी हजरात यहाँ पर तशरीफ रखे हुए हैं, हमारा साउंड सिस्टम तो हमारा साथ नहीं दे रहा है,
ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका ध्यान, आपका तवज्जो जो है वो हमारे तरफ होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा आप हमारे साथ देंगे। और आज का जो निकाह होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो पिदर वकील है जो मोहम्मद रफीक साहब है, और गवाह नंबर एक है अब्दुल खलील साहब है, और दूसरा गवाह है रिशाद अली। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो मेरे सामने तशरीफ लाए। मोहम्मद रफीक, अब्दुल खलील, रिशाद अली। एक दुआ को अल्फाज मिल गए, सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया। निकाह का फंक्शन, निकाह का प्रोग्राम यहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मोहम्मद हकीक और उनका जो बेटा है मोहम्मद अल्फाज, और दूसरी तरफ हम और आप देखते हैं अब्दुल खलील, उनकी जो बेटी है शाइस्ता खलील। आज इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, ये निकाह जो होने जा रहा है, और हमारे और आपके सामने हमारे जो पितर वकील साहब है मोहम्मद रफीक साहब और अब्दुल खलील साहब है और इशाद अली। तो भाई मोहम्मद रफीक साहब, जैसे कि पितर वकील की वकालत से हाजरी मजलिस के रूबरू अब्दुल खलील की बेटी शाहिस्ता खलील और आज का जो महर है वो $300 फीजियल है। क्या मोहम्मद हकीक का बेटा मोहम्मद अल्फाज और अब्दुल खलील की बेटी शाइस्ता खलील मोहम्मद अल्फाज के साथ निकाह में आने की इजाजत दी है? जी हाँ, इजाजत दी है। जनाब अब्दुल खलील साहब, जैसे कि मोहम्मद रफीक साहब ने पेश किया है, क्या आप भी इस बात का शहादत देते हैं? जी हाँ। जनाब रिशाद अली साहब, जैसे कि पीदर वकील ने वकालत की है और अब्दुल खलील साहब ने इसका भी शहादत दिया है, क्या आप भी इस बात का शहादत देते हैं? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم
दीगर वकील की वकालत से हाजरी मजलिस के रूप और अब्दुल खलील की बेटी शाइस्ता खलील और आज का जो मेहर है वो $300 फिगर है। क्या आप अब्दुल खलील की बेटी शाइस्ता खलील को अपने निकाह में अपने ज़ौजियत में अपनी बीवी साहबा बनाकर क्या आप शाइस्ता खलील को अपने निकाह में कबूल करते हैं? बारकल्लाह बारकल्लाह लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। हाजरीन मजलिस, जैसे कि शरीयत इस्लाम के अंदर निकाह जो है वो शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट है। अभी आप हजरात ने देखा होगा, यानी लड़की से इजाजत लिया गया है और दूसरा तरफ जो दूल्हा साहब है उसको एजाज कबूल कराया गया। अगर लड़की इजाजत नहीं देती, दुल्हन साहबा इजाजत नहीं देती, तो मैं आगे जो निकाह का कार्रवाई है उसको मैं नहीं मूव कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इजाजत दे दी है और दूसरा तरफ यानी हमारे जो दुल्हन साहब है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, आप हजरात के सामने उन्होंने भी जो एजाब कबूल किया कि जी हाँ मैंने कबूल किया है, तो आपने देखा हुआ कि हमारे दूल्हा साहब बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा जी हाँ मैंने कबूल किया है। अगर इनके वो कह देता कि यह मैंने नहीं कबूल किया है तो निकाह यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, हमारे जो दूल्हा साहब है और उनके वालिदैन है, दुल्हन साहबा है उनके वालिदैन है, उनके लिए क्या है मुबारकबाद है। तो इसलिए आप हजरात ने देखा होगा कि शरीयत इस्लाम के अंदर निकाह के अंदर ही नहीं, एक पितर वकील होता है जो वकालत करता है और उनके साथ ही दो गवाह दो विटनेस का ही बहुत जरूरी होता और इसके साथ साथ क्या है महर होता है। हमारे फीजी के मुताबिक यानी जो महर होना चाहिए वो कमोबेश $100 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि महंगाई का दौर है, तो इसलिए क्या है महर का होना भी तय करना इसका भी क्या है बहुत जरूरी होता है। तो इस बात पर क्या है हम और आपने सारे ने क्या है आज का जो निकाह हुआ है इसको आप हजरात ने भी क्या है विटनेस किया है। तो जैसे मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि जो ये निकाह है अल्हम्दुलिल्लाह क्या है शरीयत इस्लाम के अंदर निकाह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है निकाह बहुत जरूरी है। अब हम और आपने देखा है कि भाई जो दूल्हा साहब होता है और दुल्हन साहब है इनका जो जिम्मेदारी है और इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या है ये बहुत बड़ा है और दोनों का बराबर हिस्सा होता है। ये नहीं कि हमारे जो दूल्हा साहब है उनका जिम्मेदारियां ज्यादा होता है या दुल्हन साहब आए उनका भी ज्यादा होता नहीं, बल्कि क्या है यानी हदीस के अंदर आता है दोनों का क्या है जिम्मेदारी बराबर होता है। अब आया यानी क्या है जो निकाह मेरे अजीज दोस्तों क्या है निकाह करना ये आसान है यानी, लेकिन उसको निभाना उसको महफूज रखना ये बहुत कठिन बात है। इसलिए यानी जब निकाह का रिश्ता कायम किया जाता है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है
तीन चीज का यानी मद्देनजर रखा जाता है, चार चीज का क्या है, एक तो उसका कौमियत होता है और दूसरा उसके अंदर क्या है खानदान होता है, मालदारी होता है, रिश्तेदारी वगैरह होता है और खूबसूरती होता है, आखिर में क्या है हमारा जो दीन होता है वो आखिर के अंदर आता है। तो हमारा जितना भी खानदान है कौम है क्या है ये सारे के सारे एक दिन ही खत्म हो जाएंगे। आदमी जितना भी खूबसूरत होता है या मेल हो या फीमेल हो कोई भी है, जितना भी खूबसूरती उसके चेहरा पर होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसका उम्र जाता रहता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस जो क्या है वो हमारा दीन क्या है वो सिर्फ बाकी रह जाएगा। क्या है हमारा दीन क्या है वो सिर्फ और सिर्फ यानी बाकी रह जाएगा। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों क्या है अब यानी हमारे जो दूल्हा साहब है दुल्हन साहबा है इनका जो जिम्मेदारी है माँ बाप ने क्या है अपना जो फर्ज था क्या है उसको पूरा कर दिया। क्या है अपना फर्ज था उन्होंने पूरा कर दिया है। अब यहाँ से आगे जो दूल्हा साहब है दुल्हन साहबा है इनको अपनी जिंदगी को कैसे बसर करना है, शरीयत के मुताबिक भी क्या है आपस के अंदर क्या है यानी मिल जुल कर क्या है अपना जो फ्यूचर है क्या है उसको आगे बढ़ाना है। तो बास दफा मेरे अजीज दोस्तों क्या है एक लतीफा आता है एक जगह पर यानी निकाह हुआ शादी हुआ या हम और आप देखते हैं कि घर में अगर मियां काम कर रहा है तो बीवी घर पर रहती है। तो मियां साहब जब ये काम से नौकरी से जब वापस आता है तो हम और आप देखते हैं बांस दफा क्या है जो मियां होता है वो आते क्या है जब यानी घर में जैसे ही वो दाखिल होता है तो बीबी यानी क्या है वो गर्म हो जाती है अपने मियां के साथ ही। अरे कहाँ हो गया इतना देर हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया है अब वो गर्म हो जाती है। जो खाबिंद होता है मर्द होता है वो खामोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद जब खामोश नहीं होता है वो भी यानी बोलना शुरू कर देता है उसके आगे। तो उसने बेचारा सोचा कि यार रोजाना इससे टेंशन होता है जब भी मैं नौकरी से आता हूँ हमारी जो घरवाली क्या है वो टेंशन कर देती है। अब उसने सोचा जिसका इलाज क्या है तो उसने एक मौलवी साहब के पास गया और अपना कहानी किस्सा सुनाया कि मैं जब यानी नौकरी से वापस आता हूँ जैसे घर में यानी अंदर नहीं जाता हूँ तो मेरे घर वाली क्या है वो मेरे ऊपर शुरू हो जाती है। तो कहा यार मौलवी साहब कोई ऐसी चीज बना के दे दो कि उसका मुंह बंद हो जाए। तो मौलवी साहब ने बेचारा क्या है एक पर्चे में लिख कर दे दिया। क्या है एक पर्चे में क्या है तीन नुक्ता लिख कर दिया है। अब इसको कहा कि जब तुम नौकरी से वापस आना जैसे ही अपने बीवी के पास पहुंचना तो ये कागज का टुकड़ा जो है वो अपने दांत के नीचे दबा लेना। अब इसने क्या है अपने दांत के जैसे नौकरी से आया वो टुकड़ा दांत के नीचे दबा लिया। अब उसके बीवी उधर से शुरू कर दिया। अब ये तो कुछ बोलता नहीं है वो बोल रही है लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा। काफी देर तक क्या है कुछ नहीं बोला। पहला दिन ऐसे गुजरा दूसरा दिन दोबारा क्या है ये नौकरी से आया और जैसे अपने घर के पास ही दरवाजे के पास आया बीबी वहां खड़ी है तो ये दूसरा रुकता था वो दांत के नीचे दबा लिया। अब बीबी घबरा गई है वो भी कहती कि आज भी ये कुछ नहीं बोलता है ये खामोश है। अब तीसरा दिन क्या है वो फिर यानी दोबारा अपने नौकरी से वापस आता है और घर के दरवाजे पर जैसे आता है वो ये नुक्ता क्या है अपने दांत के नीचे दबा लेता है। अब बीबी बड़ी परेशान हुई क्या है बहुत परेशान हुई। अब ये बीबी चिल्लाती है बोलती है अब वो मर्द है वो कुछ नहीं बोलता है। तो आखिर में मर्द ने कहा कि जैसे मैं अपना जबान को बंद कर रखा हूं वैसे आप भी अपने जबान को बंद कर। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों क्या है हम और आप जानते कि भाई निकाह जो है निकाह
का मींस गिव एंड टेक्स, आपके लाइफ के अंदर, आपके जिंदगी के अंदर गिव एंड टेक्स होगा, ऊपर नीचे होगा। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिस घर के अंदर बर्तन जो क्या है आपस में खटकती नहीं है। तो इस वजह से क्या है, निकाह का माना है गिव एंड टेक्स, आपके जिंदगी के अंदर ऊपर नीचे होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नल्लाहा मा सामिरीन, मेरी सबर के साथ काम लोगे। कभी आपके ऊपर ऐसे कोई मामला पेश आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, हमारा और आपका जिम्मेदारी बनता कि भाई हमारे से बड़े क्या है, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने बारगाह में कबूल फरमाए। आप हजरात ने जितने भी किया है इसका विटनेस किया है। और इसके साथ साथ एक बात और है कि माँ बाप का जो मकाम होता है, वालिदैन का जो मकाम है, उनका जो दर्जा है ये बहुत बड़ा है। निकाह से पहले जैसे आप यानी अपने वालिदैन की रेस्पेक्ट इज्जत करते थे, वैसे निकाह के बाद भी क्या है, अपने वालिदैन की इज्जत करना बहुत जरूरी है। क्या है, अपने वालिदैन की इज्जत करना बहुत जरूरी है। बाज़ दफा ये होता है कि भाई दीनदारी होना, औलाद है उनका सही तालीम और तरबियत देना, दीन और दुनिया दोनों का तालीम देना ही। अगर हम खाली दीन का तालीम दे देंगे अपने औलाद को, अगर दुनियावी तालीम नहीं दिया है तो वो औलाद आपका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो दीनी तालीम भी क्या है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, मैं दोनों तरफ़ैन के तरफ से, दोनों वालिदैन के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि आज का जो निकाह हुआ है और आप हजरात ने सारे निकाह इसका विटनेस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने बारगाह में कबूल फरमाए। और जो बात कहा गया सुना गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सब्बित अला ईमान। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप मेरी प्रोग्राम के आखिर हिस्सा में पहुंच चुके हैं। दुआ से पहले इंशाअल्लाह शादी बियाह के अंदर लोग हाथ वगैरह बटाते हैं, खिदमत करते हैं। ये शादी का जो इंतज़ाम होता है ना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो जिन्होंने भी जैसे भी क्या है इस फंक्शन के अंदर केशन टाइम जैसे भी हेल्प किया, मदद किया, अल्लाह तबारक व तआला सबको अजर अता फरमाए। दूर दराज से जितने भी लोग यानी ओवरसीज से भी ट्रेवल करके यहाँ पर आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को आना कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह हम और आप मिलकर इनके लिए दुआ करेंगे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم عليه اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا هذا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا ارحم الراحمين يا الله فرما كرم فرما يا الله ما حكما فرما خطاؤك يا بزر فرما جو بیمار ہے گھر اسپتال جہاں پر بھی اللہ اس کو شفا عطا فرما جتنے بھی ایمان والے دنیا سے پانی ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرما خاص طور پر یا اللہ آج کا جو نکاح ہوا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما ان میں آپس میں پیار محبت جوڑ اتفاق عطا فرما یا اللہ اپنی والدین کے فرما بردار اور نیک عطا فرما یا اللہ خاص طور پر یا اللہ جس طریقہ سے یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے یا اللہ اس کے اندر کی بات کی یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ جنہوں نے بھی جیسے بھی حصہ لیا ہے یا اللہ سب کو اجر عطا فرما یا اللہ جو کچھ بھی اس کے اندر انتظام کیا گیا ہے یا اللہ خاص طور پر یا اللہ جنہوں نے محنت مشقت کی ہے یا اللہ سب کی مال جان میں کاروبار میں ترقی عطا فرما یا اللہ دونوں طرفین کے گھروں میں رحمت اور برکت عطا فرما ہر دکھ تکلیف سے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ہر بلاؤں سے ہر بیماری سے ہر سب کی حفاظت فرما یا اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا اس کو قبول فرما یا اللہ جو مانگنے سے بھی رہ گیا یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ میری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہم فی الامور
صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين. Thank you, Malana Sahib. We've come to the end of the nikah. And now we did actually take some photos of families. So if the first day, when the photographer is taking photos, please don't jump in front of them with your mobile phone. Just let him finish and then use your mobile phone so he has the ability to take photos. Just let him, give him the first time. And those photos will be amazing and will be posted after you. Right, so basically, what's going to happen after here is once you've taken the photos, and once the hall upstairs is ready, we'll move on to the reception area. But what we need to do is we need to sort of do it slowly, because tears from here are going upstairs. So we need to give ourselves some time, some time for them to set it up, and then we'll make our way out. Right? So, before we take the photos, what we'll do is we'll get the nikah certificate. कर दिया जिस्म का
Sahina and Gupta to give a brief introduction about Sahista.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I am Shrifta and this is Shahina. We are Shaysa sisters. With Shaysa being the middle child, she has had a little mistake happen to her. We will share a few things with you today. Our fathers, listen carefully. There are a few tips for you. When Shaysa was around 3 years old, she had already decided. When Shaysa was around 3 years old, she had already decided on who she was going to marry. Alfaz, you may be married to her now, but her first husband will always be Shah Rukh Khan. While watching Shah Rukh Khan movies, she would always say, "I will marry him." Mom will say that he will become Buddha, and she will say, "Nay, he can't get Buddha." So Alfaz, you better learn the Shah Rukh pose. Alfaz, you may be thinking you are at least Shaysa's second love. No, you are wrong. Shaysa's second love is the one and only Justin Bieber. Shaysa is so obsessed with Justin Bieber that her side of the bedroom was covered top to bottom in Bieber posters, literally. And you know the obsession is great when a dress that Justin Bieber touched during meet and greet many years ago, has still not been washed till this day. That obsession has slowly moved to Shaysa's third and final love, which we are here to celebrate. Now running to her room whenever you know who called, sleeping with his t-shirt so she can smell his scent, always talking about him non-stop. Alfaz, a few things that you need to know. When Shaysa gets sick, she doesn't like drinking medicine. So for her to drink medicine, you need to tackle her and hold her nose while forcefully feeding her medication. Shaysa does not know how to fill up her car with petrol. Once her work colleagues took her on a field trip to the petrol station to give her a tutorial, she failed to learn. She still doesn't know how to do it. As you may already know, Shaysa loves her skincare and makeup. Be ready to be her mannequin for all her makeup experiments and face masks. It's your turn. Shaysa is a very picky eater. She only eats chicken, loki, and especially dal. But Alfaz, she will only cook you pasta. Alfaz, now you know what you need to work on to keep Shaysa happy. A congratulations to the both of you, and Alfaz, welcome to the crazy family. You snooze, you lose, right? Thank you, Shahina and Chigufta. Everyone's stunned. That was fast. That was nice. Now, to keep the ball rolling, we will call Zafia, Alfaz's elder sister, to say a few words about Alfaz. Okay. I think Alfaz has a spare shoe, so you guys can keep that. Okay, assalamu alaikum everyone. I know you all are hungry, but I'll try and keep this short. My name is Zafia. I am Alfaz's only sister. He comes from a family with two other siblings. So there's an elder brother, me, and Alfaz is the youngest one. Till date, I haven't figured out who the favorite child for parents is, but I'll surely say that Alfaz is the most spoiled one.
My Abu always says that alfaz ke chaat raha loya baneke, because isse behas mein koi nahi sake jeete. And I guess that will soon change with the golden rule of marriage, that the wife is always alfaz. The wife is always right. Okay, while growing up, while most boys were obsessed with trucks, my brother used to love talking about bus ke wiper. Yeah, see, everyone knows it. So, yeah, there you go. So, there were two types of buses, the older bus with one wiper and the new bus with double wipers. We couldn't sit in a bus with one wiper. Alphonse never approved of that. He used to cry and wouldn't want to get on board it. So that's the struggle we had to go through. Chase all the best. So he was so obsessed with basket wipers, he could go on talking about it. Sab koi sochta tha ki ladka bada hoke bus driver bani. Alhamdulillah, he is an electrical engineer by profession today, working for Flour Mills of Fiji. So another story that I like to share is that I don't know kon alfaz ke batais raha ke lal cha piye se you turn dark. So he used to force mom to make him milk tea so that us sab time uchal rahe. So when he was a baby, he was fairer than what he is now. He used to have cute little dimple. So he used to sit and cry and tell mommy, "Hum lal cha nahi piyega, humne maza kariya hoye." So he used to force mom to make him milk tea. So I would like to say that I was closer to alfaz. We used to walk down from school compared to bhaiya. I don't know where bhaiya used to be. When we used to walk down from school to bus stop, I used to carry alfaz's bag, him being the baby brother. So alfaz, you owe me. He's a very big kanjus bhaiya. Never bought me any single birthday gift. I'm keeping track of that. But he's a very organized person. He likes to keep his room really neat and tidy. He even goes out of his way and tells, "Mummy, ye kahan yaar rakha hai? Kahan aise rakha hai?" You know? So shaista, all the best. That's on you now. He is a carefree and unbothered person in a good way. Wouldn't interfere in a business where he's not needed. When I tell Alpha something, his usual reply would be, "To, aap kaun si kari?" And I'm not even exaggerating anything here. So over the years, he has become a very cautious eater. He looks after what he eats and drinks. He's into soccer, he likes sports, but now he plays PS more. Right, so he used to go out in Jamaat before. I remember those crazy days with his friends as well. And then his obsession for All Blacks. Finally, Alfaz, no matter how old you get, you'll always be my baby brother. And on behalf of my family, Shreista, I would like to welcome you to our loving yet crazy family. My Abu and Mom will always treat you as a family member, and I don't know about Alfaz, but you can always call me and discuss anything if you ever need me, or Bhabi.
Okay, thank you. Thank you, Zafia. You've given me some things to sort of bully him with. Because there are two mamas back in New Zealand, one me and one him. I'll give you a lot of crap. So welcome to our family as well. Now we're going to actually... So now we're going to move to the cake cuttings. कभी मेरी नजर से खुद को देख भी है चांद में दीदार पर न तुझ में एक भी खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया जिस्म का एक जूता
जल्दी खाली और जल्दी Come on, come on. Okay, I'm ready to go back. I'm ready to go back.
going to get to. Yes, okay, I'm ready to go barefoot. Take my pictures without shoes. I'm ready, dude. Come on. Okay, penado, chai, penado. Penado, penado, ek penado, ek penado. Badi bhai ne penaye the, dekho itna pyar se. Gor niche safa kar lo. Okay. बस खत्म हमारे जेब तो खाली हो गए ये याद दिला दैट्स इट वी हैप्पी वी हैप्पी दैट्स ऑल आई हैव गाइस मैन आई डोंट लव यू फॉर योर थैंक यू राइट कितना मिल गया पिज़्ज़ा मंगा के देखा चलो टैक्सी में नहीं जाना बस में जाना Ladies and gentlemen, just a few more proceedings left. Beside me is my sister, Shehnaz Nazli and Abdul Khalil, the mom and dad of the bride, by the way. Both are Haji and Hajin, and Saista is also a Hajin. But I normally say Hagan, but anyway, I would like them to just give a vote of thanks. Assalamu alaikum everyone, thanks for coming. Inshallah, bless bro, bless to you everyone. Take care, stay and eat and enjoy. We've been put on a spot, that's why we're awesome. Okay, thank you everyone, we appreciate everyone for coming here and appreciate the family for helping us, for praying with us. Thanks all and each and one of you. Can I ask the family of Afzal to now please start coming and taking photos? Because I know you are actually ready to go home. So, Alfaz, sorry, what did I say? Oh, I don't know who Afzal is, but Alfaz, please. Oh, do you? Can Alfaz's mum and dad please come and start the pictures, please? समझता नहीं था हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था है सीने में दिल भी कहां थी मुझे ये खबर कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे
रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूं या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ कैसे कैसे हुआ मैं बारिश की बोली समझता नहीं था हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर कहीं पे हो राते कहीं पे सवेरे ये आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूं या कोई और कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी जरूर तू इतना जरूरी कैसे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे तू मेरा कोई ना हो
लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले मुझे अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया ओ सब कुछ मेरा चाहे नाम अपने लिखा ले बदले Oh,
इस दहलीज पार करा दिलबरो बर्फ गलेगी फिर से मेरे दिलबरो फसलें पकेंगी फिर से तेरे पांव के तले मेरी दुआ चले दुआ मेरी चले उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे
बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चल पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चल पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइया कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया, मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आनिया। हाय मेरे बाबला मेरिया, हुड़े गुड़िया कोल तेरे रह जानिया। कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियां, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियां। मधाणियां हाय वे मेरे डाडिया रब्बा, कि ना जमिया कि ना नेले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा, कि ना जमिया कि ना नेले जानिया। निकालो रे, वेट करता हूँ। Now?
ओवरसीज का कोई नहीं है, यही से काम चला है बढ़िया आज, यही से काम चला है। ये बप्पा लोग के काम रहे हुए दो, ये स्टेपल करो, फाइव डॉलर नहीं है ये तो लेके जाए। All right, set, set. हम निकलो ना यावा। खोलो। तो कमती है। अल्फास को अपन आसरा पे वे बोले कमती है। तुम मुके शेया है का वे? तुम ऐसे जा। तुम मुके शेया में? कर लिया रखा। कमी। आजा। कमी। इधर से ना तू। आजा। नहीं यहाँ भी। नहीं नहीं इधर। कपड़ा। नहीं इधर तू करो, इधर तू करो, इधर तू। ए वे इधर। ऐसे कैसे उतरी? कपड़ा। नहीं यार उसे उतरे दो भाभी। हाँ। उसके कपड़ा कारण तभी होगी वो। रिवर्स लाइक जाएगा मोटर ना? हाँ। ड्राइवर पैसा गिरे लगा है। स्टोरेज नहीं है, रोड ब्लॉक है। हमें बताइए इतना इसलिए नहीं आंदे। क्या है? ये लास्ट हर्डल है। उधर दो आगे करो। हमें के पास है बहुत मोहब्बत है तुमसे। और कितना मतलब आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा, हो तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां, ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुर में के धारे बहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे, हो बदरंग चलो छोड़ दे, तुम व्हीकल में ड्रॉप करके आ जाना, ट्रिपल रन नहीं पाएंगे। ओह लास्ट के हां
कुछ तो फिर रिटर्न गिफ्ट है हमें भी ना पासो ने खाना पाक पैसा दे We tried. इश्क रे हो बदरंग में सतरंगा है इश्क रे जोगी मैं